कुछ कराएंगे आपके लिए। नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते हैं। राजधानी में जहां आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती, तो वहीं यार राजधानी के पारा का एक मामला हम बताने वाले हैं आपको। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। और आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर लगातार उसका यौन शोषण किया। बात इतनी बढ़ गई कि उसको कई बार अवशन कराने पड़े और कई बार दवाएं खानी पड़ी। जब जो आरोपी था उसके द्वारा ये कहा गया कि अब मैं शादी नहीं कर सकता, तो पीड़िता ने उठाया कदम और न्याय लगाई पुलिस प्रशासन से। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजधानी के पारा थाने पुलिस की, जहां पर पीड़िता लगातार पारा थाने के चक्कर लगा रही है, अपनी फरियाद कर रही है, लेकिन पुलिस है कि पीड़िता की सुनने की बजाय उसको ही दुत्कार कर भगा देती है और कहती है कि तुम्हारे ही खिलाफ कर देंगे कार्रवाई। अभी आज खास बातचीत करेंगे पीड़िता से और बताएंगे कि किस तरह से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई और अभी तक पुलिस प्रशासन ने किस तरह से उसे न्याय दिया। बेटा, अपने नाम के साथ बताओ क्या हुआ था, किस तरह से जो आरोपी है उसका क्या नाम है, अभी तक किस तरह से शोषण करता रहा शादी के नाम पर? सर, हम उसके साथ वो हम नीचे लेडीज गार्ड का काम करते थे। क्या नाम है आपका? शिवानी शर्मा जी। और उसका नाम है कमल सिंह जी। कहाँ का रहने वाला है कमल सिंह? मलियाबाद कहला कहला गाँव का जी। तो किस तरह से शुरुआत हुई? सर, हम लेडीज गार्ड का नीचे मतलब वर्क करते थे और वो ये राजा जनपुरम पाल के रहा है। अच्छा, वहाँ पे जी। और वो ऊपर मतलब कैफे में जॉब करता था, वहीं पे हम दोनों की मतलब बात हुई। ठीक है। और फिर उसने मेरा नंबर लिया और मुझे बुलाया और उसके बाद जो है हम दोनों की बातचीत आगे बढ़ गई जी। और उसके बाद जो है मतलब रिलेशनशिप हो गए जी। और वो शादी का झांसा देते देते मतलब शादी की वजह से आप उससे काफी क्लोज हो गई जी, जी। और आपको लगा कि ये शादी आपसे करेगा जी। तो कितना समय हो गया था रिलेशनशिप को? एक साल हो गया था। तो आखिर कब बात बिगड़ गई, कब ये बात आपको पता चली कि वो शादी नहीं करेगा? सर, मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैंने उसको बताया जी। पहली बार हुई तो उसने जो है कहा कि अभी नहीं, बाद में जी। फिर उसने बोला अभी नहीं, बाद में। फिर हुआ, उसके बाद उसने यही चीज़ बोली। उसके बाद हम अपने काम में उलझे थे, हम नहीं जान पाए कि कब 4 मंथ हो गए हैं, मैं नहीं जान पाई। फिर मैंने उसको ये बात बताई तो फिर उसने कहा कि अगर इसको जब तक के नहीं हटाओगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा तुम्हें जाना है, तुम जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो कहने लगा ऐसे हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, पहले इसको हटाओ फिर हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। ठीक है। और मैं जो है अपने घर पे थी, वो भी था, रात को 10 बजे थे, हम दोनों बैठे थे। तो उसने कहा कि दवा लेके आया विजय से, अपने दोस्त विजय से दवा लेके आया जी। और मुझे कहाँ के रहने वाले? वही गांव के, कहला था ना, हाँ कहला के वो भी रहने वाले। उन्होंने कहा कि उसको दवा खिला दो जाके और वो अपने आप से मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि हम दवा नहीं खाएंगे। फिर उसने मुझे मारा, बहुत मारा जी। उसके कमल सिंह ने, हाँ मुझे बहुत मारा, सच में मुझे बहुत ज़्यादा मारा। तो मैंने दवाओं में आके दवा खा लिया। पहले दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके दूसरे दिन मतलब मुझे पेन होने लगा। फिर मैंने कहा कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो मुझे नर्सिंग होम लेके गया, श्री मंजू नर्सिंग होम लेके गया, वहाँ पे मेरा अबॉर्शन करवा दिया जी। उसके बाद शादी के लिए कहा आपने? हाँ, उसके बाद हमने कहा तो कहने लगा अभी नहीं, घर वाले मना कर रहे हैं, ये है वो, दुनिया भर के हमसे यही बात। मतलब शादी के नाम पर शोषण करता है। तो क्या इसकी सूचना संबंधित थाने या नजदीकी थाने में आपने की? कौन थाना लगता है आपका? पारा थाना। पारा थाना, तो गई थी थाने पर? हाँ गए थे। तो क्या कहा पुलिस वालों ने? थाने चौकी पे गए थे मैंने। और फिर अबॉर्शन के 6 दिन बाद उसने मुझे फिर मारा। अच्छा। हाँ, तो वो अपने घर जा रहा था, दीपावली का टाइम था जी। वो अपने घर जा रहा था जी। तो मैंने उससे कहा कि ऐसी हालत में मुझे छोड़ के घर मत जाओ जी। तो कहने लगा नहीं हम जा रहे हैं। तब मैंने डायल 100 कॉल किया, डायल 100 वाले आए, तुरंत आए, मैं ये नहीं कहूँगी वो नहीं आए, वो आए, उन्होंने मेरी सुनी, उन्होंने जाके मुझे चौकी में
कहा कि अब तुम मतलब यहाँ पे रहो और हम मतलब वहाँ पे बातचीत होने लगी, तो उसने झूठा झूठ बोला सर कि ये मेरी वाइफ है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मतलब बिना शादी के। हाँ, उसने कहा ये मेरी वाइफ है, तभी जो है और उसका भाई ज्ञान सिंह आया, उसके गाँव के प्रधान है अनिल, उनका नाम है अनिल, अनिल कुमार वो आए, और मतलब दो तीन लोग और आए थे उनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, जिनका जिनका मैं नाम जानती हूँ। पारा खाने की पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी? नहीं सुन रहे हैं, मैं दो तीन दिन से लगातार वहाँ जा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब मैंने ज्यादा फोर्स किया और मेरी जो अप्लीकेशन थी वो भी उन्होंने पारा थाना मतलब चौकी वालों ने फाड़ के फेंक दी जी, और जो है मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। मैं कल पूरा दिन खड़ी रही तब भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी, जब बहुत ज्यादा बोला तो मुझे NCR पकड़ा के भेज दिया। NCR लिखी है जी, तो क्या राजधानी जो SSP लखनऊ के हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे किसी तरह की मदद या कोई गुहार लगाना चाहती हो? बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे? हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि मुझे बस इंसाफ चाहिए बस। किस तरह की कार्रवाई चाहती हो कमल सिंह पे? उसको गिरफ्तार करवाइए आप लोग किसी भी तरीके से। शादी करना चाहती हो? नहीं। क्या चाहती हो कि जैसे तुम्हारी जिंदगी उन्होंने बर्बाद की ऐसे किसी और की बर्बाद ना कर पाए? हाँ, यही हम चाहते हैं। तो ये बताइए, जब थाने गई आप तो उसके बाद क्या कमल का फोन आया या किसी तरह की बातचीत हुई? हाँ, उसका उसके दोस्त का मेरे पास कॉल आया, वो मुझसे कहने लगा कहाँ हो, तो हमने कहा हम अपनी मम्मी के घर पे। मैंने कौन ये दोस्त? विजय। अच्छा, विजय जी कहला से गांव, उसके गांव से कॉल आया जी। वो वहीं पे पीछे कमल बोल रहा था, उसकी आवाज मुझे साफ आ रही थी कि पूछो पूछो कहाँ है जी। वो ऐसे कह रहा था कि पूछो कहाँ है जी। वो तो हमने कहा हम चाहे जहाँ हो तुमसे नहीं मतलब है, तो वो कह रहा हमें पता है तुम कहाँ पे हो, तुम थाने में हो। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि हम थाने में है चौकी में है, बस इतना कह के कहने लगा तुमको जान से मार डालेंगे, और जो है उसकी मम्मी रो रही है और तुमको उल्टा फंसाने की कोशिश करा जा रहा, मतलब मुझे पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश उनके घर वाले अब कर रहे हैं। तो क्या जब थाने गई कोई धमकी वगैरह कुछ वैसा दिया कि ये मत करो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ? नहीं, थाने वाले बस यही बोल रहे हैं कि मलियाबाद जाओ वहाँ पे पुलिस वालों से बताओ। कमल ने कोई धमकी नहीं दी उसके बाद आपको? कमल ने नहीं, उसके दोस्त धमकी दे रहे हैं, मैं गाली गलौज कर रहे हैं। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे एक एक मिनट की खबर पता है। और कमल गांव में नहीं, कमल वहीं लखनऊ में है, उसके दोस्त विजय ने बोला ये चीज कि कमल गांव में नहीं है, तुम चाहे यहाँ आके देख लो, कमल गांव में नहीं है, कमल जो है अपने वहाँ पे है, अपने मतलब लखनऊ में जहाँ तुम रहते हो, तुमने ही छिपाया है कमल को। तो क्या घर आना जाना था कमल का? मेरे? हाँ। नहीं, जहाँ रहते थे आप वहाँ कमल आता? हाँ, वहाँ तो ये हमारे साथ 7-8 महीने से तो रह ही रहे थे। कब से ये दूरी कब से बनी, कब से बातचीत नहीं हो रही थी? 15 तारीख को हमारी रात को 10:04 पे कॉल कट गया और हमसे यही बोल के फोन काटा गया कि विजय सर ने बोला है कि हम चौकी थाने की बात है, हम यहीं पे निपट लेंगे, उसको समझा लेंगे और उससे ये बोल देंगे कि जो है मतलब खत्म कर दो ये सब कुछ। घर पर आया कुछ सामान वामान भी लेके गया क्या? हाँ, 15,000 रुपए और मेरी 2 जोड़ी पायलें लेके चला गया अलमारी से। तो घर में आता था, अलमारी खोल लेता था? हाँ, मतलब साथ में ही रहता था ना मेरे, तो साथ में रह रहा था तो वो हर चीज वो जानता था कि मेरी कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, हमसे ज्यादा उसको मेरे मतलब हम तो ज्यादातर बाहर ही रहते थे। सब क्या जान माल का कोई डर या खतरा है? सर बिल्कुल धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, बताइए हम क्या करें, आप ही लोग। पुलिस नहीं सुन रही है ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह से पीड़िता बता रही है कि कमल सिंह द्वारा लगातार शादी का झांसा देकर प्रताड़ित और यौन शोषण का मामला सामने आया, तो वहीं पर राजधानी के पारा थाने में पीड़िता गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। वहीं राजधानी के SSP कलानी नथानी बोलते हैं कि कोई भी FIR करने आए तो FIR कराना उसका अधिकार है, लेकिन यही राजधानी की पुलिस यौन शोषण के मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर पा रही है, वहीं पर पीड़िता को लगातार थाने के चक्कर लगवा रही है। पीड़िता से ये भी कह रही है कि मलियाबाद थाने जाकर तहरीर दो। तो देखना यह है कि इस मामले में क्या राजधानी SSP किसी तरह की कार्रवाई करते हैं या यूं ही लगातार महिलाओं के साथ दुराचार होता रहेगा।